वेलकम टू लाइव सीरीज डॉट इन और मैं हूं जिज्ञासा। आज की पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी में फिर से चर्चा जीतन राम मांझी की। दरअसल ऐसा लगने लगा है कि बेटे की खातिर मांझी फिर से पाला बदल सकते हैं। बिहार का पॉलिटिकल कॉरिडोर अलर्ट मोड में है। क्या कुछ चल रहा है बता रहे हैं अपने आलेख में पॉलिटिकल एनालिस्ट रुद्र प्रताप सिंह। तो सुनिए क्या लिखा है मांझी के मोड पर रुद्र प्रताप सिंह ने। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी राजद के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। संभावना पहले से जाहिर की जा रही है। पिछले दिनों विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी पर हमला बोलकर मांझी ने इस संभावना को मजबूत कर दिया है। मांझी ने चौधरी को रंगा सियार कहा है। उनका दर्द भी छलक गया। अगर चौधरी स्पीकर की हैसियत से दो चरणों में हमारे 16 विधायकों को निलंबित नहीं किए होते तो आज हम सीएम होते। मांझी के रुख में ये बदलाव अगर कुछ संकेत दे रहा है तो यही कि वह महागठबंधन से निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। मांझी की बेचैनी समझने लायक है। बड़े राजनेताओं की तरह उनके घर में भी कहानी चल रही है। इसी कहानी ने उन्हें राजद के दरवाजे पर पहुंचाया। इसी कहानी की अगली कड़ी के तौर पर वो नए घर की तलाश कर रहे हैं। घर की कहानी के मुख्य नायक उनके पुत्र संतोष सुमन हैं। सुमन के लिए उन्होंने एनडीए में बड़ी कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार से मिले, भाजपा नेताओं से मनुहार किया, लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान का उदाहरण दिया, उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को विधानसभा चुनावों में हार का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद नीतीश कुमार ने विधान परिषद में भेजा, उपहार के तौर पर कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। अब ऐसा लगने लगा है कि बेटे को मंत्री बनाने के इकलौते लक्ष्य के साथ ही मांझी ने राजद से दोस्ती की थी। जहानाबाद उपचुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की उम्मीदवारी का बहाना बनाकर वो असली लक्ष्य तक पहुंच गए। नया दबाव मंत्री पद को लेकर पड़ रहा है। इसकी गुंजाइश फिर से एनडीए में आने पर ही है। संतोष सुमन परिषद में हम के इकलौते सदस्य हैं, इसलिए वो किसी और भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूमिका इसी की बन रही है। उदय नारायण चौधरी से मांझी की पुरानी अदावत है। पिछले चुनाव में चौधरी को परास्त कर ही वे विधायक बने थे। इसके अलावा और भी कई मोर्चे पर दोनों के बीच मतभेद रहे हैं। इसकी पूरी संभावना है कि मांझी अगर हृदय परिवर्तन करते हैं तो उनके पुत्र को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इससे उनकी मुराद पूरी होगी और एनडीए में रामविलास पासवान के बाद एक अदद दलित नेता की कमी भी पूरी हो जाएगी। शायद उन्हें एनडीए से आगे बढ़ने का सिग्नल भी मिल गया है। शरद यादव के समर्थन के चलते फिलहाल राजद में उदय नारायण चौधरी का पलड़ा भारी पड़ रहा है। हालांकि उन्हें भी मांझी की तरह अविश्वसनीय माना जाता है, फिर भी उन्हें जुझारू छवि का लाभ मिल रहा है। चौधरी के लिए राजद में जमुई लोकसभा की सीट तय की गई है। जीतन राम मांझी को गृह जिला गया से तैयारी करने का ऑफर दिया गया है। एक बार सीएम रहने के कारण जीतन राम मांझी को लोकसभा की किसी भी सुरक्षित सीट पर उन्हें पहचान की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। कुल मिलाकर राज्य के लोगों को एक रोचक दृश्य देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कम दिलचस्प नहीं है कि मांझी के आसपास उन्हीं लोगों का जमावड़ा है जो सामाजिक राजनीतिक कारणों से धुर राजद विरोधी रहे हैं। बुरी बात यह है कि उनके लिए चुनाव लड़ने लायक सीट भी नहीं है। राजद में मांझी के लिए गया की उम्मीदवारी सुरक्षित है, लेकिन दूसरे लोग मसलन वृषण पटेल और महाचंद्र प्रसाद सिंह के लिए ढंग की कोई लोकसभा सीट नहीं निकल पा रही है। यही हाल पूर्व मंत्री अजित कुमार और अनिल कुमार जैसों का भी है। ये सब विधानसभा के उम्मीदवार हैं। मुश्किल ये है कि इनके विधानसभा क्षेत्रों में राजद के लोगों के साथ ही इनका सामाजिक आधार टकरा रहा है। मोटे तौर पर देखें तो मांझी के करीबी लोग राजद की तुलना में एनडीए के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। मांझी पर पुत्र के अलावा एक दबाव सहयोगियों का भी है। तो तैयार रहिए बिहार के बदलते पॉलिटिकल सीन को देखने के लिए। लाइव सीरीज आपको सब कुछ बताता रहेगा सबसे पहले। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली अपडेट्स
आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।